नंबर 14 लिखेंगे, टेल मी, मुझे बताइए, व्हेन कैन आई गो होम, मैं घर कब जा सकता हूँ। जब टेल से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हमेशा ध्यान रखेंगे बाद वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आए, तो यहां से कैन हटाएंगे और यहां यूज करेंगे व्हेन आई कैन, बिकॉज ये सेंटेंस असर्टिव में है, इंटरोगेटिव में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, हरी सेड, हरी ने कहा पास्ट टेंस, दैट ऑनेस्टली वाज द बेस्ट पॉलिसी। हमें लगेगा कि दोनों पास्ट टेंस में होने चाहिए, लेकिन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, थी और रहेगी, इसलिए यहाँ पर हम इसका ही यूज करेंगे, तो ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, दे पे नॉट अटेंशन टू मी, यहाँ पर नॉट अटेंशन नहीं, केवल नो अटेंशन, दे पे नो अटेंशन टू मी, उन्होंने मेरी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। एन इंटरेस्टिंग, he talks as, वो बातें करता है जैसे कि, जब जब as के साथ if आएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर plural verb का use होगा, helping verb का, if he was a great officer नहीं, if he were a great officer, वो ऐसे बातें करता है जैसे कि बहुत बड़ा officer। Next, no sooner he saw a lion he ran away, interesting example है ये, no sooner के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ही सॉ की जगह पर हो जाएगा डिड ही सी। ठीक है, नो सूनर डिड ही सी अ लायन, शी रिगार्ड्स मीन हर ब्रदर, जब जब रिगार्ड्स आएगा तो रिगार्ड्स के साथ एज का यूज होगा, वो मेरा इतना सम्मान करती है जैसे कि अपना भाई। मोहन नोज टू ड्राइव अ कार, जब जब किसी टेक्निक के बारे में हो कि वो उसने सीखा या वो इसे जानता है करना, तो यहाँ पर हाउ का यूज करेंगे, मोहन नोज हाउ टू ड्राइव अ कार, मोहन कार चलाना जानता है। सो फ्रेंड्स, आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो सुपर थैंक्स करें। नमस्कार।